हमें अपनी मूलभूत प्राथमिकताओं पर भी पुनर्विचार करना होगा। परंपरागत जीवन मूल्यों के वैज्ञानिक आयामों को समझना होगा। हमें एक बार फिर प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव और अनंत ब्रह्मांडों के सम्मुख विनम्रता का भाव जागृत करना होगा। मैं इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि महात्मा गांधी आधुनिक युग के सच्चे भविष्य दृष्टा थे, क्योंकि उन्होंने अनियंत्रित औद्योगिकरण से होने वाले आपदाओं को पहले ही भाप लिया था और दुनिया को अपने तौर तरीकों को सुधारने के लिए सचेत कर दिया था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर सुखमय जीवन बिताए, तो हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। इस संदर्भ में सुझाए गए परिवर्तन में से एक बदलाव भोजन से संबंधित है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव को स्वीकार किया है और वर्ष 2023 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे आहार के मुख्य तत्व हुआ करते थे। समाज के सभी वर्ग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। ऐसे अनाज पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि उनकी उपज कम पानी में ही हो जाता है। यह अनाज उच्च स्तर का पोषण भी प्रदान करते हैं। यदि अधिक से अधिक लोग मोटे अनाज को भोजन में शामिल करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण में सहायता होगी और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। गणतंत्र का 1 अरब वर्ष बीत चुका है और एक नया वर्ष शुरू हो रहा है। ये अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर रहा है। महामारी के प्रकोप से दुनिया कुछ ही दिनों में बदल गई थी। पिछले 3 वर्ष के दौरान जब भी हमें लगा कि हमने वायरस पर काबू पा लिया है, तो वायरस फिर किसी विकृत रूप में वापस आ जाता है। लेकिन अब इससे घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि हमारा नेतृत्व, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर, हमारे प्रशासक और कोरोना योद्धा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हमने ये भी सीखा है कि हम अपनी सुरक्षा में कमी नहीं आने देंगे और सतर्क भी रहेंगे। प्यारे देशवासियों, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र है। मैं किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिकाओं की सराहना करती हूँ, जिसकी सामूहिक शक्ति हमारे देश को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। मैं देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करती हूँ। भारत की संस्कृति और सभ्यता के अग्रदूत प्रवासी भारतीयों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। इस अवसर पर मैं उन बहादुर जवानों की विशेष रूप से सराहना करती हूँ, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। देशवासियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले समस्त अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के बहादुर जवानों की भी मैं सराहना करती हूँ। हमारी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के जिन वीरों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको मैं सादर नमन करती हूँ। मैं सभी प्यारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी देशवासियों के लिए एक बार फिर मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया किस तरह से भारत की विविधता भारत को बांटती नहीं है बल्कि भारत को एक साथ जोड़ने का काम करती है। संविधान को उन्होंने बुनियादी दस्तावेज बताया, साथ ही साथ उन्होंने मौजूदा दौर की चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।